नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। लोकसभा चुनाव 2019 अपने आखिरी पड़ाव पर है। देश में पहले आम चुनाव से लेकर अब तक वोट करने वालों से लेकर वोटिंग के तरीकों तक काफी बदलाव आया है। पहले मतदाता पर्ची का इस्तेमाल होता था, जो अब ईवीएम वीवीपैट में बदल गया है। अब चुनाव के तरीकों में बदलाव हुआ तो चुनाव के खर्चे भी बढ़े, तो वहीं राजनीतिक पार्टियों की ओर से भी बीते कुछ सालों में धन बल ज्यादा खर्च किया गया और चुनाव आयोग की ओर से इस पर लगाम भी कसी गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चुनाव आयोग इस पर कितना खर्च करता है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि पहले चुनाव से लेकर 2014 तक के चुनाव में आयोग का खर्च 400 गुना बढ़ चुका है। इस लोकसभा चुनाव में लगभग 90 करोड़ मतदाताओं के हिस्सा लेने का अनुमान है और मतदाताओं की संख्या के हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है। देश में पहली बार जब 1951 में लोकसभा चुनाव हुए थे, तब करीब 17 करोड़ मतदाताओं ने इसमें हिस्सा लिया था और उस वक्त प्रति मतदाता 60 पैसे का खर्चा आया था। लेकिन समय बदला और जरूरतें भी बदली और पहले आम चुनाव की तुलना में आज 20 गुना तक खर्चा बढ़ गया है। आपको बता दें कि ये खर्च चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की सारी व्यवस्था पर आता है, जिसमें सुरक्षा के लिए तैनाती का खर्चा भी शामिल है। अब अगर बात करें चुनाव आयोग की कुल लागत की, तो एक अंदाजे के मुताबिक इस बार चुनाव आयोग की लागत करीब 6500 करोड़ रुपए है। अब दिलचस्प बात यह भी है कि देश के पहले 3 लोकसभा चुनाव में सरकारी खर्च हर साल 10 करोड़ रुपए था। 2009 के लोकसभा चुनाव में ये खर्च बढ़कर 1483 करोड़ हो गया, जो 2014 में 3 गुना और बढ़कर 3870 करोड़ रुपए हो गया था। अब यहाँ आपको ये भी बता दें कि पहले लोकसभा चुनाव में आयोग ने प्रति मतदाता पर 60 पैसे खर्च किए थे, वहीं 2004 में ये खर्च बढ़कर 17 रुपए प्रति मतदाता हो गया। लेकिन फिर 2009 में चुनाव आयोग का ये खर्च 12 रुपए प्रति मतदाता पर आ गया। वहीं साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भारी बढ़त के साथ आयोग का ये खर्च 46 रुपए प्रति मतदाता हो गया। अब अगर बात करें लोकसभा चुनाव 2019 की, तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से इस बार के चुनाव में चुनाव आयोग का ये खर्च बढ़कर 72 रुपए प्रति वोटर होने की संभावना जताई जा रही है। अब यहाँ आपको हम ये भी बता दें कि देश में अब तक सबसे कम खर्चीला चुनाव 1957 का था, जब चुनाव आयोग का कुल खर्चा 5.9 करोड़ हुआ था, जिसका मतलब है कि प्रति मतदाता 30 पैसे का खर्चा आया था। इसी बीच चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के खर्चों पर नकेल कसने की भी कोशिश की और इसके लिए खर्चे की एक सीमा तय की, जिसके हिसाब से बड़े राज्यों में हर लोकसभा सीट पर खर्चे की सीमा 70 लाख रुपए तय की गई और छोटे राज्यों में 54 लाख रुपए है। हालांकि दिल्ली में लोकसभा चुनाव के खर्चे की सीमा 70 लाख रुपए है। अब आपको हमारी ये खबर कैसी लगी है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।